हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू जॉब लेकर आ गया हूँ और ये वाली जॉब आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ गाइज, ये बात कर रहा हूँ मैं फ्लिपकार्ट की वर्क फ्रॉम होम जॉब। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है, और अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है और एक अच्छा वाईफाई नहीं है ना, तो भी आप इस काम को करने के लिए आप एलिजिबल है। जी हाँ गाइज, आपको सिंपली बस एक डिवाइस चाहिए आपका, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। फिर आप इस काम को स्टार्ट करके महीने के 30,000 रुपये कमा सकते हैं आसानी से घर बैठे बैठे। जी हाँ गाइज, क्या प्रोसेस होगा वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। 100% जेन्युइन जॉब है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर ऐसे ही नई नई जेन्युइन जॉब्स ट्रस्टेड लेकर आता रहता हूँ। तो जो भी आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी मैं आगे आपको विद लाइव प्रोसेस के साथ बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या आपको रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, कैसे रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, साथ में सैलरी आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ पर विद लाइव प्रोसेस के साथ समझते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहां पर इन्होंने साफ लिखा हुआ है, वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी। तो डेजिग्नेशन जो आपकी होने वाली है वो सप्लाई चेन पर होने वाली है। क्या आपका इसमें रोल होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो के। तो वी आर सुपर एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑल दिस स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सप्लाई चेन ऑपरेशन। तो यहां पर आपका ये वेलकम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है सप्लाई चेन का, ठीक है उसके लिए। और यहां पर जो है स्कैन दिस क्यूआर कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है आईटीआई से तो भी आप इसको मतलब करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस जॉब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जॉब आखिर है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी, वेलकम टू सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम। वी आर सुपर एक्साइटेड टू वेलकम यू टू ऑल दिस स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन। इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स 360 डिग्री कंप्लीट अप्रोच टू हेल्प यू एक्टिवली लर्न थ्रू इंटरेक्टिव वीडियोस, सिमुलेशन, डिजिटल हैंडआउट्स, क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एंड इंटर्नशिप पीरियड इन स्टेट ऑफ आर्ट फैकल्टी। तो जो यहाँ पर आपका काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपको जो है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में जो है देखना है उनको, कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनको समझना है। वो सी चीज़ आपको जो है अपने एक मोबाइल से उस पर नज़र रखनी है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कि इस प्रोडक्ट में कोई डैमेज तो नहीं है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के यहाँ पर बारे में बताया हुआ है। और उससे पहले ये आपको 16 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे, ठीक है। उस ट्रेनिंग में आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा, उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे स्टार्ट कर देंगे देने, जहाँ पर आपको जो है ये धीरे धीरे जो अगर आपको इनका काम अच्छा लगा, मतलब कि इन लोगों को आपको जो आप काम करेंगे इसमें अगर वो इनको लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर परमानेंट भी रखा जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके बारे में जो आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको इसमें एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या चाहिए इसमें, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पर जाएंगे और इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से वेट करना, ठीक है, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है इसको। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दिखाया है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लेना, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, वी आई लर्नर वगैरह है, ठीक है, कर लेना। बाकी इसमें जो है आपको स्किप कर देना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड डालना है। तो अगर आपका पहले से फ्लिपकार्ट पर अकाउंट है, तो अगर आपका नहीं है तो डोंट हैव अ अकाउंट, तो आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहां पर अपना जो है फोन नंबर लिख देना है, ठीक है। जब आप यहां पर फोन नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये फोन नंबर मैंने लिख दिया, फुल नेम यहां पर आपको डाल देना है इस तरीके से, पासवर्ड आपको डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट से पासवर्ड वगैरह डाल देता हूं और यहां पर ये स्मॉल लेटर में जो कैप्चा है उसको आपको वैसा ही भरना है जैसा आपको इस पिक्चर्स में शो हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको कर लेंगे देन उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का निशान आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली इस पर रजिस्टर कर देना है। जब आप इस पर रजिस्टर करेंगे तो जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, अपना फादर्स नेम डालना है, फादर की जो ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है, जेंडर अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, करंट एड्रेस जहाँ पर भी आप रह रहे हैं इस टाइम परमानेंट वो वाला सेलेक्ट कर लेना, परमानेंट नहीं मतलब करंट एड्रेस, ओके। सेलेक्ट स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, सिटी को सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ भी आप रह रहे हैं, ओके। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना अपना, अपने नाम से ही जेन्युइन ईमेल होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर 10th है तो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, 10+ डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इनको बताना है कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिप्लोमा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो 10th और 12th का जो भी आपने किया है स्कूल, ठीक है, वो फैकल्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद यहाँ पर स्कूल नेम आपको डाल देना है जहाँ से आपने 10th 12th किया है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है इनकी तरफ से 100% मेल आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार करके दिखा देता हूँ फटाफट से, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, फटाफट से करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फटाफट से। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पैटर्न ओपन हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर अपना जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत भाई हैं नहीं कर पाते, उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पर हमने भर दिया है इसको भी, और यहाँ पर ये, और ये हमारी ईमेल आ गई, 10th कंप्लीटेड। बोर्ड नेम यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कुछ भी आप जहाँ से भी है मतलब वो डाल देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, देहरादून पब्लिक स्कूल, एक सेकेंड, देहरादून पब्लिक, ठीक है, अरे यार, पब्लिक स्कूल। ओके, इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है आपको नेम, और यहाँ पर भी आपको स्कूल का सेम नेम यहाँ पर आप, मैं डाल दूँगा अपना, ठीक है, जो भी मैंने, क्योंकि मैंने यहीं से किया है दोनों चीज़ें, तो अपडेट प्रोफाइल कर देंगे हम क्लिक, ठीक है। फिर आपको जो है इस पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका बस काम खत्म हो जाएगा। फिर इनकी तरफ से आपको जो है मेल आ जाएगा, जहाँ पर ये आपसे आपकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका जो भी मतलब कि काम है वो कैसे करना है। आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आपको मेल आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो से लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय गाइज, टेक केयर।